अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करते हैं। आज के समय में होटल, रिजॉर्ट और लाउंज में रुकना आम बात है, लेकिन भारत जैसा देश जो संस्कृति और सभ्यता को संजो कर चलता है, वहाँ अब टेंट सिटी का उद्गम हो रहा है। पीएम मोदी ने आज वाराणसी में गंगा घाट किनारे बसी टेंट सिटी का उद्घाटन किया। दरअसल वाराणसी में बढ़ते हुए पर्यटन को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी को बसाया गया है। क्या खास है इस टेंट सिटी में और क्या क्या सुविधाएं हैं, आइए जानते हैं सब कुछ। टेंट सिटी यानी तंबुओं का शहर, जहां गंगा की रेत पर पर्यटकों को काशी प्रवास का नया एहसास मिलेगा। टेंट सिटी में रुकने के लिए ईंट कंक्रीट से बने कमरे नहीं मिलेंगे, बल्कि तंबू वाले कपड़ों के छोटे छोटे विला बने हैं। इस टेंट सिटी में भारत की संस्कृति और आध्यात्म की झलक दिखेगी। यानी अगर आप काशी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो टेंट में रुकना आपको एक अलग अनुभूति देगा। खास बात यह है कि वाराणसी में टूरिज्म को नया आयाम देने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। अब बारी आती है कि टेंट सिटी के लोकेशन की, तो ये 80 से दशाश्वमेध घाट के सामने उस पार बसाई जा रही है। इसके लिए 100 एकड़ जमीन पर सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस टेंट सिटी में रहकर पर्यटक 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक का नजारा देख सकते हैं और बाबा विश्वनाथ तक चंद मिनटों में पहुंच सकेंगे। टेंट सिटी के अंदर 5-स्टार जैसी सुविधाएं होंगी। इसमें विला, दरबारी, प्रीमियम, सुपर डिलक्स और डिलक्स टेंट बनाए जा रहे हैं। टेंट सिटी में रिवर कॉटेज के साथ रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल, योग सेंटर, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट बाजार सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा यहां पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स, कैमल और हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकेंगे। टेंट सिटी में मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह प्रतिबंध है। सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। इतना ही नहीं, टेंट सिटी में रहने पर बनारस घराने के मधुर वाद्य यंत्रों की धुन भी सुनाई देगी, जिसमें शहनाई, सारंगी, सितार, संतूर की धुन और तबले की थाप सुनने को मिलेगी। हर रोज गंगा आरती का भी आनंद मिलेगा। ऐतिहासिक घाटों, गंगा और पूरे टेंट सिटी का नजारा देखने के लिए स्टेनलेस स्टील का 32 फीट ऊंचा गंगा वॉच टावर बनाया गया है। खाने में स्वाद के लिए ठंडाई, लस्सी, चाट कचौड़ी, जलेबी और बनारसी पान परोसा जाएगा। मलाइयों जैसे देसी स्वाद का भी चटकारा मिलेगा। जहां तक टेंट की कीमत की बात है, तो टेंट 2 निजी संस्थानों ने तैयार किया है। ऐसे में टेंट सिटी की कीमतों का पूरा अधिकार निजी संस्था को दिया गया है। हालांकि रेट और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी निगरानी भी की जाएगी। फिलहाल टेंट सिटी की कार्यदायी संस्था ने 5,000 से 50,000 रुपए के बीच किराया तय कर दिया है। हालांकि यह पूरी तरह फ्लेक्सी होगा, मतलब जैसे हिल स्टेशन वगैरह पर पीक सीजन में, यानी जिन दिनों पर्यटक ज्यादा या कम पहुंचते हैं, रेट बढ़ता और घटता रहता है, वैसे ही टेंट की भी दाम कम और ज्यादा होते रहेंगे। टेंट सिटी में रुकने के लिए पर्यटक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए टेंट सिटी वाराणसी.com वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कराई जा सकती है, जबकि ऑफलाइन के लिए नमो घाट और कई जगह टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।